एक सर्वे के मुताबिक कोई भी इंसान स्मोकिंग या ड्रिंकिंग जैसे नशे सिर्फ दो कंडीशन में ही शुरू करते हैं, पहला डिप्रेशन का शिकार हुए लोग और दूसरा फिल्मों में एक्टर्स को बिल्कुल ही स्टाइलिश तरीके से स्मोक करते हुए या ड्रिंक करते हुए देखकर उस स्वैग को अपने अंदर लाने के लिए स्मोकिंग या ड्रिंकिंग जैसे नशे को लोग अपना लेते हैं। और इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर फिल्मों में ये सीन कैसे शूट किया जाता है और क्या फिल्मों में यूज किया गया सिगरेट, अल्कोहल या फिर ड्रग्स ऐसा कोई भी प्रोडक्ट रियल होता है, और अगर रियल होता है तो वह उसे एक्टर्स सच में कंज्यूम करते हैं या नहीं। लेकिन इससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले अगर हम बात करें स्मोकिंग सीन की, तो अगर कोई एक्टर रियल लाइफ में स्मोक करता है फिर भी उसे शूटिंग के दौरान रियल में सिगरेट स्मोक नहीं करने दिया जाता है। फिल्मों में एक ही शूट को अलग अलग एंगल से कई बार शूट किया जाता है, इसलिए अगर रियल सिगरेट का यूज किया गया तो एक्टर को एक सीन शूट करने के लिए कई सारे सिगरेट स्मोक करने पड़ेंगे, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट कर सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए फिल्मों में हर्बल सिगरेट का यूज किया जाता है। हर्बल सिगरेट्स में 1% भी टोबैको का यूज नहीं किया जाता है। हर्बल सिगरेट्स में टोबैको की जगह ग्रीन टी के लीव्स और रोज पेटल्स जैसे और कई भी सारे फूलों की पंखुड़ियां का यूज किया जाता है, और इसलिए इसमें निकोटीन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। और इस हर्बल सिगरेट का यूज स्मोकिंग जैसे आदत को छोड़ने के लिए भी किया जाता है। अब अगर हम बात करें ड्रिंकिंग सीन की, तो दोस्तों आपको बता दूं अल्कोहल कंज्यूम करना बिल्कुल भी हराम है, इसलिए भूलकर भी आप अल्कोहल कंज्यूम ना करें। दोस्तों फिल्मों में भी कोई रियल अल्कोहल नहीं लिया जाता है। शूटिंग के दौरान अल्कोहल सीन शूट करने के लिए आइस टी या फिर लेमन टी का यूज किया जाता है, और कभी कभी तो बिल्कुल इसे रियल अल्कोहल जैसे दिखने के लिए लेमन टी या फिर आइस टी में जैतून का फल का भी स्लाइस मिक्स किया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें ड्रग्स की, तो आपको पता ही होगा कि ड्रग्स कंज्यूम करना इलीगल है, और फिल्मों में दिखाया गया कोई ऐसा भी सीन शूट करने के लिए बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, और इसे नाक के अंदर खींचने वाले सीन को शूट करने के लिए पेपर रोल के साथ एक स्ट्रिंग को कनेक्ट करके पीछे से एक स्पेशल ट्यूब से खींच लिया जाता है। और ये सीन हमें इस एंगल से दिखाया जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि एक्टर इसे अपने नाकों के अंदर खींच रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जल्द लौटूंगा एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बने रहे रॉयल फैक्ट हेल्पर के साथ। गुड बाय।